क्या था जी? अमित। अमित, उम्र क्या थी सर उसकी? 31 साल। 31 साल थी। अच्छा, तो ये जो अमित की जो आज ये घटना हुई, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? क्या कुछ था, क्या कुछ हुआ, मैं इसके बारे में बताओ। सुबह उठ कर घूमने के लिए गया था जी। अच्छा जी। 4:30 के आसपास में। अच्छा जी। तो उसके बाद में जो गांव के उस रोड पर घूमने के लिए गए ना, गांव से 1 किलोमीटर दूर है वो, उसकी डेड बॉडी मिली है, उन्होंने घूमने वालों ने पता दिया है। कौन सा रोड पर गए थे सर? यहाँ से जो तरखा गांव की तरफ रोड पर, तरखा गांव की तरफ गए थे सुबह घूमने के लिए। अच्छा, डेली वेज जाते थे? कभी कभी जाते थे। मैं कभी कभी जाते थे। तो वहाँ डेड बॉडी मिली अमित भाई की? डेड बॉडी मिली। तो मतलब किस तरह से, कोई एक्सीडेंट था, कोई घटना थी, क्या कुछ है? कोई एक्सीडेंट नहीं था जी, कुआड़ा पाया है दोरा है, और उसका फोन पाया है। अच्छा जी। कुआड़ा गला कटिया है। तो सुबह हर रोज जाते थे? नहीं, हर रोज नहीं जाता था, कभी कभी जाते थे। कितने बजे गए थे जी आज घूमने के लिए? गए होंगे जी, पक्का टाइम तो पता नहीं, अंदाजा है 4:30 के आसपास में सुबह। हाँ। ये भाई काम क्या करता था जी? काम कुछ नहीं कराए रहे करता जी। खेती बाड़ी भी किया? खेती बाड़ी भी कम, खेती बाड़ी तो हम नए को नहीं करी कदे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जी, कोई किसी के साथ कोई बहस विरोध हो आपको? कोई बहसबाजी नहीं जी, कुछ नहीं किसी के साथ में। अच्छा, तो इस मामले को आप किस तरीके, किस नजर से देख रहे, क्या लग रहा है कि आपको कोई साजिश के तहत दिया किस तरीके? तो सर ऐसे अचानक, अभी ये तो जाँच का विषय है जी, पुलिस अपनी जाँच करेगी और जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। पहले भी किसी के साथ इसका लड़ाई झगड़ा हुआ है? कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं जी, पूरे गांव में ना हमारी किसी के साथ कोई बहस। आप लड़के क्या लगते हो? पिता। आप फौजी हो? फौजी। तो फिर वहां पर देखा आपने मौका, तो लड़के को मैंने किस तरह की, मैंने एक तो किस तरह की चोट मारी गई थी, थोड़ा बता सकते हो? तेज धार हथियार से काटा हुआ था जी, यहाँ पे ज्यादा चोट थी सिर में, यहाँ पे सिर पे था, दोनों हाथों पे था और पांव पे था, दोनों में। आपको किस दिन पता चला जी? मेरे को तो लेट पता चला है जी, 8 के आसपास में, जब पूरा गांव देखने जा लिया ना, और पुलिस भी आ गई। तो जब गांव के जैसे देखेंगे, उसका चेहरा पहचान में नहीं आया? वो चेहरा पहचान में नहीं आया था जी, फिर मेरे पास किसी का फोन आया, बोले हमने तो हुए लग गया है, वो साफ सूफ है, उनमें आँख साफ करे है ना गांव वाले नर पुलिस ने, वो नाम है तो अमित लिखा हुआ था उसका। मोबाइल में कोई कॉल डिटेल निकली हो सर, कोई किसी तरीके की? वो हमने पुलिस वाले ने पूछा था, बोले इसकी स्क्रीनिंग टूट रही है। अच्छा, बोले इसकी ठीक करा के फिर देखेंगे, डिटेल निकालेंगे। वो डिटेल निकालेंगे, वो तो मिल जाएगी उसमें, फोन में मिलेगी डिटेल। आपके गाँव में किसी से बहस है ना? कोई बहसबाजी नहीं, एकदम इतनी तेज बड़ी घटना हो तो ऐसा तो एकदम तो नहीं हो सकता, या फिर कोई आपकी पहले कभी पुरानी रंजिश हो? इव जी, मारी तो किसी का कोई रंजिश नहीं, जो लड़के की कड़ियां कुकरे होगी बाहर है ना, उस चीज का हमने कोई पता नहीं। कभी लड़के ने बताई हो मेरे साथ? ना, लड़का ने कभी नहीं बताई। छोटी घटना होगी, बहसबाजी कभी नहीं बताई जी। आप क्या लगते हो? मेरे मामा का लड़का था। आपके मामा का? हां जी। और आप जी? मेरा भांजा था। आपका भांजा था? आपका भांजा था जी। आपने कभी भी भांजा जी मन पे किसी तरीका का कोई दबाव, किसी तरीका का जिस तरीके से होता है कि दबाव भी हो सकता है, या कोई मन मानसिक रूप से किस तरीका का कोई? ना नहीं सर, उसको था कुछ नहीं था जी, मानसिक रूप से ठीक था। हाँ, ठीक था जी। जैसे सुबह घूमन गा जी, अकेला गा था, कोई साथ था उसके? नहीं, वो अकेला ही गया है जी, उठ कर ना साथ कौन जावा था, नहीं कोई उसका यारा प्यारा मित्र या कोई परिवार? हमने नहीं बेरा जी, वो तो घर आता बस अंदाजा नहीं उबेरा, हमने इतने बजे उठ कर गया है, सुबह 4 बजे निकले, 4:30 बज रहे होंगे बल गए। और आपको पता अंदाजा है जी? आपको पता चले 8 बजे? हाँ, मिलना तो 8 का आस पास में। आप गाँव में थे कि बाहर थे? मैं गाँव में ही था जी, मेरे पास किसी का गाँव वाले का फोन आया है, बोला हुआ ऐसे ऐसे घटना घट रही, यार नाम लिख रखा है हाथ पे, मना तो न्यू भी नहीं बेरा था, वो हाथ पर नाम लिखवा रहा है, वो भी मैं उसकी माँ से पूछ कर आया, वहाँ उसका हाथ उठ पर नाम था, बोली नाम था। जो अमित भाई थे वो पढ़ाई करते थे?
ना जी हटिया था तो कई सालों का तो गांव में उसका कहीं आना जाना था गांव में ना जी कड़िया ने कोई आना जाना नहीं था किसी के साथ में वो के हो जा कोमन अपना टाबर में कड़िया बैठ गया ऊपर भी लिए भाई साहब मैं तो सारे ही बैठा हां और जो अमित जी थे वो किसी चीज तरह कोई नशा करते थे ना कोई नशा नहीं कोई नशा नहीं करते थे ना उनके कोई यार दोस्त से आपकी बात हुई हो अगर कोई किसी से इसकी लड़ाई हुई हो ना किसी से लड़ाई हुई जी उसकी और ना हमारी कोई बहसबाजी थी उसके गांव में दोस्त हैं आप जानते हो दोस्तों को दोनों के दोस्त हैं मैं दोस्त दास्तान अभी जी को कि मैंने वो बस यही रहे रहे जंदा हो तो बगड़े बगड़ में बस ओका पानी फिर भी जी देखो कोई कोई तो मित्र तो होता है नहीं तो दोस्त जी सारा ही राम ने जाना हर राम राम श्याम श्याम सब के गल्ला हुआ ये तो होता है जी आप वो नहीं जानते हो और नाम था जी उसका हां जी उसका ना पता उसका कोई विशेष कौन था जी ना विशेष का कोई उसका नेचर था भाई उतरा विशेष से सबके गले एक सफर में उठना बैठना सारा कोई विशेष नहीं था उसका को बाकी सा कोई मैटर कौन था मैं जो इसकी बहस हो क्यों मारो भी पता चला रे हम भी आते जाते हैं उस चीज का पता लगा रहा भाई यू कोट कर रहा कि हूं से भाई इसमें यार बैठ से लेकिन सब गला नेचर बढ़िया था पुलिस को आपने सूचना दी या किसी गांव वाले सरपंच ने दी गांव वाले दी गांव का बकड़ के आना दी है जी सवेरे ओड़ा बटले हो रहे थे अब्बल जने सुबह घूमने जावे रोड पे हां जी उन्होंने डेड बॉडी देखी है वहां हां जी उन्होंने फिर पता कराया है उन्होंने पुलिस भी बुला ली थी पुलिस भी आ रही थी गांव के भी काफी लोग जा लिए थे उसके बाद में घर फिर मेरा बकड़ वाले ने पहचाना ना तो उन्होंने बताया भाई इसी इस तरह से डेड बॉडी पड़ी है अमित नाम लिखा यार मामले तो हो गए लग गया फिर मैं गया हूं जी पुलिस प्रशासन ने जो रिपोर्ट दर्ज कर दी हाँ कर ली अज्ञात के खिलाफ अज्ञात के खिलाफ करी अज्ञात के खिलाफ है जी ये तो ब्लाइंड मर्डर है भी जी कोई कहानी है कोई ब्लाइंड मर्डर ही तो दिख रहा है बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी पता है पुलिस प्रशासन से आपको क्या कुछ आश्वासन मिला है किस तरह पुलिस प्रशासन तो कहो है जी छानबीन करांगे सारी काट दिया ये जो इस टाइम में जो दाग देने प्रशासन मौजूद था या मौके पर नहीं था प्रशासन हुआ तो कौन था जी कौन था ना तो ये अगर लास्ट बार पुलिस से आप प्रशासन से क्या अपील करना चाह रहे हो हाँ भाई वो आ रहे आए थे वो अपील तो क्या करना चाह रहे थे यहाँ से भाई निर्दोषी पकड़िया जावे दोषी निर्दोषी तय होगी दोषी को सजा मिल जाए बस दोषियों ने पकड़ो और कड़ी से कड़ी सजा दो किसी टायर के कोई उम्मीद तो है पुलिस से कोई निशान नहीं मिला वहाँ पर आपको टायर का किसी ना हमने वो एक आएगा निशाना हमने ना देखा जी हमने तो जी एक लड़का था हमारा लड़का ये नहीं बताया वो देख भी नहीं सकता लड़का था इतनी बुरी तरह से हथियारों से काटा हुआ था देखो जी इससे बड़ी दुखद घटना तो हो नहीं सकती बिल्कुल एक सर वो नहीं मैं फिर भी कोई निशान निशुन मिले हो नहीं मिला ओड़ा कुआड़ा रहा है वो पाए हैं जी फोन वो पुलिस ने बरामद कर ली है ओड़ा ठीक है सर